आज हम बात करेंगे द फाउंटेन हाई स्कूल से पोएट्री में पार्ट टू क्वेश्चन आंसर। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेंजा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। उसको मैंने आपको स्टेंजा के थ्रू समझाया करके, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है कि आप कैसे क्वेश्चन आंसर छाटते हैं। उसमें मैंने तीन क्वेश्चन आपको बताए, एक राइमिंग वर्ड का बताया और एक आपको बताया मैंने पोएट और पोयम से टाइटल लिखना और एक बताया उसका कलर सनलाइट में कैसा होता है। कुल 8 स्टेंजास हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर के 8 स्टेंजास हम आपको बारी बारी नहीं समझाएंगे, लेकिन हाँ उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर स्टेंजा के वो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए एक राइमिंग वर्ड और एक पोएट या टाइटल लिखना, वो हर स्टेंजा में हर चैप्टर में आ सकता है जो दो दो नंबर के होते हैं। तो एक दो नंबर का एक क्वेश्चन आप तो या राइमिंग वर्ड आ जाएगा वो कर लेंगे और एक पोएट कैसे टाइटल कैसे लिखना है वो कर लेंगे। तो हर स्टेंजा में बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो हर चैप्टर के आपको पोएट्स नेम और टाइटल यानी कि चैप्टर्स नेम याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बचे हुए 7 स्टेंजास, कुल 8 हैं इसमें से एक बता दिया, तो जो 7 अब बचे हुए हैं उसको मैं स्टेंजा वाइज ना बता करके सिर्फ उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी में 2 और किसी में 3, तो 20 क्वेश्चंस के अंदर ही अंदर होंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ आपको याद रखना है जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 में द फाउंटेन के, वो आप जरूर देखेंगे। वो देखेंगे तो वो जो तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो आप समझ लेंगे, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन समझाते हैं, हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। तो सेकंड स्टेंजा आपका है इनटू द मूनलाइट से, व्हाट इज द कलर ऑफ फाउंटेन इन द मूनलाइट। In the moonlight, the fountain looks whiter than snow. Moonlight में जो फुहारा है वो स्नो से भी सफ़ेद दिखाई देता है। What happens to the fountain when the winds blow? क्या होता है जब हवाएँ चलती हैं? तो when the winds blow, जब हवाएँ चलती हैं, the fountain waves like a flower. तो जो फाउंटेन है वो फ्लावर्स की तरह लहराता है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट? इट मींस वेविंग सजेस्ट वेविंग लाइक वेव्स, मतलब तरंगों की तरह से। ये थर्ड स्टेंजा देखते हैं, इनटू द स्टारलाइट्स। सभी स्टेंजास में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, क्योंकि पोएट पोएम और टाइटल राइमिंग वर्ड्स ये क्वेश्चन हर स्टेंजा से मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो सेम सेम होते हैं। राइमिंग वर्ड कैसे लिखा जाता है, पोएम और पोएट्स टाइटल ये कैसे लिखा जाता है, तो फाउंटेन के फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ से वो क्वेश्चन हटा दिए, क्योंकि वो हर स्टेंजा में हर चैप्टर में सेम होते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो इनटू द स्टारलाइट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में जो स्प्रे वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है? द वर्ड स्प्रे मींस थ्रोइंग टिनी ड्रॉपलेट्स, मतलब फेंकता हुआ छोटी छोटी बूंदे पानी की हवा में। तो जब स्प्रे होता है तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो है पानी की बूंदे, फुहार जिसको हम कहते हैं, वो एयर में होती हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेंजा, इवन इन मोशन मतलब सदैव गति में रहना। इससे भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो तीन क्वेश्चन हर स्टेंजा से हैं वो मैंने हटा दिए हैं, वो आप फर्स्ट वीडियो से समझ लीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल इन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में जो स्टिल वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है? स्टिल मीन्स इवन देन, मतलब
अभी भी, बस छोटा सा आंसर है और छोटा सा उसका मतलब है। फिफ्थ स्टेंजा से देखेंगे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तो इसका भी एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्टेट ऑफ फाउंटेन इन द या इन एवरी वेदर्स, हर वेदर्स में जो फाउंटेन है इसकी स्टेज क्या होती है, कि ये कैसा रहता है। तो इन एवरी वेदर्स, हर वेदर में, हर मौसम में द फाउंटेन रिमेन्स ग्लैड एंड चेयरफुल, हर मौसम में जो फुहारा है वो ग्लैड और चेयरफुल रहता है। ग्लैड मतलब हैप्पी, ठीक है, चेयरफुल मतलब भी हैप्पी ही, प्रसन्न होता है, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित। सिक्स स्टेंजा की बात करें तो फुल ऑफ नेचर, इसकी फर्स्ट लाइन है फुल ऑफ नेचर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन है आप देखें, एक ही क्वेश्चन इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, मतलब होता है इसको होता है बाधित करना या बाध्य करना, मजबूर करना। तो नथिंग कैन टेम द फाउंटेन बिकॉज, कि फुहारे को कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता। इट इज ट्रेमेंडियस इनर्जी एंड फुल ऑफ नेचर, क्योंकि ये जो होता है एक तो फुल ऑफ नेचर होता है, नेचर से भरा हुआ होता है, दूसरा ट्रेमेंडस होता है क्योंकि इसके पास एक अपरिमित शक्ति भी होती है। सेवेंथ स्टैंजा आप देखेंगे, सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट से है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग द एलिमेंट में टी एच वाई, ठीक है। तो इसका भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड सीसलेस एस्प्रिंग, वैसे सीसलेस का मतलब होता है लगातार और एस्प्रिंग्स का मतलब है उछलना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट सीसलेस एस्प्रिंग मीन्स, तो पोएट के अनुसार सीसलेस एस्प्रिंग का मतलब है द स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस, प्रगतिशीलता की भावना। तो हर स्टेंजा से एक ही एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी में दो आ रहे हैं, तो इसके फर्स्ट दो स्टेंजा इंपॉर्टेंट हैं, इनटू द सनलाइट और इनटू द मूनलाइट, बाकी सब में एक एक क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट है दे दिया है, और बाकी तो आप फर्स्ट वीडियो से देख ही लेंगे। लास्ट स्टेंजा है ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है वाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, कि फाउंटेन को ग्लोरियस क्यों कहा गया है। द फाउंटेन हैज बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस एज इट इज फ्रेश एक्टिव स्प्रिंग एंड कॉन्स्टेंट, फव्वारे को ग्लोरियस यानी कि शानदार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फ्रेश होता है, आपका फ्रेश, फ्रेश मतलब ताज़ा, एक्टिव भी रहता है, चुस्त रहता है, हमेशा ये उछलता भी रहता है और हमेशा निरंतरता बनी रहती है और हमेशा हैप्पी भी रहता है। लास्ट एक क्वेश्चन और जो इसी से इम्पोर्टेंट है वो ये है, वॉट इज द मीन ऑफ चेंजफुल एंड कंस्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला क्वेश्चन। तो चेंजफुल मीन्स एक्टिव एंड कंस्टेंट मीन्स स्टडी, स्टडी मीन्स दृढ़, और एक्टिव का तो आप जानते हैं सक्रिय होता है, चुस्त होता है। तो ये थे एट स्टेंजा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक दो दो, बाकी तो सब आप फर्स्ट वीडियो से समझ लीजिए, और इसमें से दो ही स्टेंजा इम्पोर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इनटू द सनलाइट और मूनलाइट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले स्टेंजास के क्वेश्चन आंसर के साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।